कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने जा रहा है। SFF कप का जो पहला इनॉग्रल मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, दो आर्क राइवल्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे। और लास्ट टाइम जब इंडिया पाकिस्तान मिले थे तो इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था, वो भी सैफ चैंपियनशिप का मैच था। एक क्विक प्रीव्यू करूंगा आज मैं इस मैच का, जल्दी से आपको बताऊंगा और एंड में आपको अपनी प्रेडिक्शन भी बताऊंगा कि इस मैच में मेरी क्या प्रेडिक्शन है, तो ज़रूर देखिए ये वीडियो एंड तक। अगर बात करूँ पाकिस्तान की, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी डायस्पोरा प्लेयर्स, जिसमें उनके ओटिस खान, ईसा इकबाल, सो इस तरह के प्लेयर्स जो उनके पास है। करीब आई थिंक नो प्लेयर्स पाकिस्तान कैसे हैं जो डायस्पोरिक है, जो यूरोप में खेलते हैं, लेकिन वहीं यही उनका नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि इन प्लेयर्स ने एक साथ दो मैच खेले हैं सिर्फ, और कुछ प्लेयर्स ने दो मैच भी एक साथ नहीं खेले हैं। तो आपस के बीच का कोऑर्डिनेशन बनाने में फुटबॉल में कितना टाइम लगता है, ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें इंडिया की, तो इंडिया टीम इस वक्त ग्रेट फॉर्म में है। जिस तरह से हमने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता और जो फाइनल में जो हमने लेबनान को हराया, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दी थी। इस समय सुनील छेत्री, छांगटे, निखिल पुजारी और जो अपने थापा, सारे ही इस समय ब्रिलियंट फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कल का मैच जो है वो क्वालिटी वाइज अगर टीम्स को मैं देखूं तो कोई मैच नहीं है इस समय इंडिया और पाकिस्तान का। इंडियन टीम इज़ वे बेटर देन पाकिस्तान टीम दिस टाइम, बट वी शुड नॉट गेट स्वेड बाई आर रीसेंट रन। हमें कल पूरी जान लगा के उतरना होगा मैदान में और पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट पूरी जान लगा के ही खेलना है, और हमें एक बड़ी से बड़ी विक्ट्री लेने की कोशिश करनी है। ध्यान रखें, मेरे को लगता है कि कल पाकिस्तान की टीम जो है वो 5-4-1 के फॉर्मेशन में खेलेगी, बहुत डिफेंसिव खेलेगी। जनरली जो पाकिस्तान के नए कोच हैं वो थोड़ी सी ऑफेंसिव फुटबॉल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को, लेकिन कल अगर वो अपनी टीम को ऑफेंसिव फुटबॉल खिलाते हैं, जो एक जॉन क्राइफ जो उनकी फिलॉसफी है फुटबॉल की होती है, जिसमें आप ट्रायंगल्स बनाते हैं और उस तरह से पोजीशन करते हैं अपने प्लेयर्स को, लेकिन अगर वो कल उस वाली फिलॉसफी के साथ उतरे तो फिर मुझे लगता है कि जो रिजल्ट है वो डिजास्ट्रस हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और इंडिया 10-0, 9-0 इस तरह के रिजल्ट्स भी निकाल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम ड्रॉप बैक करेगी, 5-4-1 खेलेगी प्रॉबेबली, और वो कोशिश करेंगे कि हम वो ह्यूमिलिएशन से बचें और इंडिया को 1-0 या 2-0 पर रोकने की कोशिश करें। वहीं दूसरी तरफ इंडिया को फुल ऑन ऑफेंस पे जाना है और फुल ऑन अटैक बिल्डअप करना है विद द बॉल। जिस तरह से इंडिया भी खेल रहा है, इट्स ब्रिलियंट, इट्स लाइक नेवर सीन बिफोर फ्रॉम इंडियन फुटबॉल। तो बहुत ही बढ़िया रन ऑफ फॉर्म है और सैफ चैंपियनशिप की इससे बढ़िया शुरुआत इंडिया की नहीं हो पाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से हरा देता है। तो अगर मैं बात करूं प्रेडिक्शन की, तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच के लिए रहेगी इन द फेवर ऑफ इंडिया। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इंडिया की विन विद अ मार्जिन ऑफ 4-0, यानी कि 4-0 की विन इंडिया लेगी। आपके क्या कमेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कल का मैच का रिजल्ट हो सकता है, ये आप ज़रूर कमेंट डाउन करिए, और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। कल के मैच में हमारे साथ जुड़िएगा क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम लेके भी हाजिर होंगे कल के मैच की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो वहाँ भी आपसे मिलेंगे और लाइव भी बातचीत होगी। तो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।